watching Exposed India. ओला उबर की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है। आखिर क्या कारण है कि ओला उबर के ड्राइवरों को हड़ताल पर जाना पड़ा? इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए है एसपी सोनी जी, जो कि ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि क्या कारण है कि जो ओला उबर के ड्राइवरों को हड़ताल पर जाना पड़ा? हड़ताल पर जी, एक तो जब सबसे पहले इन्होंने गाड़ियों कंपनी वालों ने लोगों से लालच दे करके गाड़ियाँ डलवाई कि आप हमसे जुड़िए और महीने का 1-1.25 लाख रुपये कमाइए। हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है। हर आदमी ने, लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपनी बीवी के जेवर वगैरह गिरवी रख करके बेच करके इनकी गाड़ियाँ डाली। तकरीबन एक साल तक इन्होंने अच्छा काम दिया। जब उसके बाद इन्होंने देखा कि हमने मार्केट को कैप्चर कर लिया है, हमारा नाम काफ़ी फेमस हो चुका है, उसके बाद इन कंपनियों ने क्या करा कि अपनी खुद की गाड़ियाँ डाल ली हैं और जो बिज़नेस है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी गाड़ियों को देने लग गए। मान लीजिए किसी एरिया में 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक गाड़ी अगर इनके कंपनी की खड़ी है तो सबसे पहले बुकिंग उनकी कंपनी को जाती है। बाकी बंदे हमारे जो खड़े हैं, एक एक 1.5-1.5 घंटा वेटिंग करते हैं, कोई ट्रिप नहीं मिलती है। इनकी कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं उनको विदिन 5 मिनट ट्रिप मिल जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों का बिज़नेस नहीं मिल रहा है और बिज़नेस ना मिलने की वजह से अर्निंग नहीं हो रही है। दूसरी बात, पहले ये अच्छे खासे रेट देते थे 18 रुपये, उसके बाद धीरे धीरे करते करते 6 रुपये पर किलोमीटर में आ गए हैं और उसमें भी 25% कमीशन काटते हैं। तो आप सोचिए हमें बचता क्या है। आज वो हालत हो गई है कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं बच रहा है गाड़ी की। यहाँ आप किसी सभी से पूछ सकते हैं, हर भाई की, हर गाड़ी की 2 से 3 किस्तें बाउंस हुई पड़ी है। बैंक वालों का प्रेशर आ रहा है कि आपकी हम गाड़ियाँ उठा लेंगे, बच्चों की फीसें नहीं भरी जा रही हैं। आपकी पेमेंट किस तरह से काटी जाती है? आपको सैलरी बेस पर रखा जाता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग एज ए पार्टनर इन्होंने रखा हुआ है कि आप इंडिविजुअल हमसे गाड़ियाँ खरीदवाई और हमसे बोला कि आप हम कंपनी से अटैच होइए, हम आपको बिजनेस देंगे। तो अब कब तक हड़ताल पर रहेंगे? जब तक हमारी सरकार नहीं सुनती है, कंपनी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल है? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से ओला उबर इन्हें परेशान करती है, इनके पैसे काटे जाते हैं, अब देखना ये होगा कि ओला उबर की तरफ से इनके लिए संतोषजनक जवाब आता भी है या नहीं। कैमरा पर्सन विमल के साथ पुष्कर पांडे, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली। This is Alia Bhatt, you're watching Exposed India, keep watching.